नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र, देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह अपनी 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान न केवल तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बातचीत होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इस परेड में तीनों सेनाओं के सशस्त्र बलों का एक भारतीय दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का एक नया अवसर है। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबूधाबी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबूधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा की 4 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पीड़िता सुशीला मंडल के परिवार से मुलाकात की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि ममता जी, ये कौन सा लोकतंत्र है? आपके लोग गरीब की झोपड़ी में आकर तोड़फोड़ करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर ऐसा भाजपा शासित किसी राज्य में हुआ होता तो राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, नीतीश कुमार तूफान खड़ा कर देते। यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा शर्मसार करने वाली है, ये लोकतंत्र की हत्या है। पश्चिम बंगाल में चुनाव पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा मंगलवार को मतों की गिनती के दौरान भी देखने को मिली थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सदन में तारांकित प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो भाजपा के विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा के विधायकों ने सदन के अंदर पोस्टर भी दिखाए, जिसके बाद अध्यक्ष ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया। बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में मौजूद सीएम नीतीश कुमार से पूछा कि कहां गई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति, आपने भ्रष्टाचार से समझौता क्यों किया? सिन्हा ने सदन में कहा कि इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव इतने संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? बिहार में किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर बुधवार को पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे तो किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसान सलाहकार जनसेवक के पद पर समायोजित करने की मांग कर रहे थे। किसान सलाहकारों का कहना है कि अगर पिछले 13 साल से बिहार सरकार उन लोगों को ठग रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना नाबार्ड के बिना नहीं की जा सकती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारे देश में शहरों को साथ साथ गांवों का भी विकास हो रहा है, गांव आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अमित शाह ने गांव के हर एक व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध समितियों के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया और ई रिसोर्स पोर्टल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट की भी शुरुआत की। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर जैन साधु की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में जैन मुनि नंदी महाराज की निर्मम हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक में जिस तरह से जैन मुनि की हत्या को अत्यंत निंदनीय बताया, आज कर्नाटक अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बन गया है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना की महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोकसभा प्रवास योजना की बैठक में केंद्रीय पार्टी कार्यालय में अनेक नेता पहुंचे। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में इस बात पर जोर रहा कि कैसे अलग अलग राज्यों में बीजेपी नेता किस तरह की रणनीति के साथ पार्टी का जनाधार मजबूत कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कल से बारिश रुकी हुई है। मनाली का रास्ता खोला गया है, हालांकि मुख्य राजमार्ग अभी भी बंद है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क धंस जाने के कारण एक कार नदी में जा गिरी। कार में चार लोग सवार थे जो अब तक लापता हैं। नदी का बहाव काफी तेज होने के कारण लापता लोगों की तलाश शुरू नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला अधिकारियों के साथ भारी बारिश के बाद पैदा हुई स्थिति की समीक्षा बैठक की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का मकसद फंसे हुए पर्यटकों को निकालना है और उसके बाद बिजली और अन्य समस्याओं का निदान करना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से आज और कल कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं अन्य 5 जिलों में ये बारिश का अलर्ट येलो अलर्ट जारी था। मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारिश का अलर्ट निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए हमने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोल दिए जाएं। सभी तीर्थयात्रियों से यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक खराब मौसम है अपनी यात्रा रोक दें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही उन्हें रोकने का फैसला किया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब ये निशान खतरे के निशान से ऊपर 207.71 मीटर के ऊपर पहुंच गया है। यमुना के जलस्तर के इतने स्तर पर पहुंचने पर 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ की स्थिति पर सचिवालय में एक आपात बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हथिनी कुंड से सीमित मात्रा में पानी छोड़ने की भी अपील की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच भाजपा ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार की लापरवाही पर जमकर आलोचना की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला स्थित आवास में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर बारिश के बाद उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। पंजाब के फिरोजपुर में जीरो लाइन के पास पाकिस्तान के बांध टूटने के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है। ये इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। NDRF और SDRF की टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में पानी घुस रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और मलेशिया के बीच घनिष्ठ रक्षा औद्योगिक सहयोग की सुविधा के लिए क्वालालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत की और उनसे भारत और मलेशिया के बीच साझा समृद्धि के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान और बिम्स्टेक समूहों की बैठक के लिए इंडोनेशिया में है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया को लगभग एक ही समय में आजादी मिली है।
इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जामरी अब्दुल कादिर और भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय सम्मेलन में इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मारसुडी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ मुलाकात की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख स्थित गांवों का दौरा किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ ओरजॉक और चुमूर गांव में बातचीत की और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का भी आकलन किया। भाजपा नेता बाबू भाई जयसंग भाई देसाई और केसरी वेब सिंह झाला ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने गुजरात से बाबू भाई जयसंग भाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल से पार्टी ने अनंत महाराज को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होंगे और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। भारत दौरे पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया। इसरो चंद्रयान के तीसरे मिशन को लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर मिशन को लॉन्च करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का लॉन्च आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने इस मौके पर कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मिलकर काम करने का फायदा दोनों देशों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में होगा। गुजरात के केवड़िया में जारी G20 में व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक संपन्न हुई। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का फायदा उठाने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने हम्पी में तीसरे G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान कुल 1,755 वस्तुओं के साथ लंबाड़ी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने कहा कि भारत निवेश के लिए एक बेहतर बाजार की तरह उभर रहा है और दुनिया भर के कई देश अब भारतीय बाजार में निवेश के लिए रुचि ले रहे हैं। केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हरिद्वार से कावड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं। उनकी इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के समर्थन में लोगों को जागरूक करना और समान नागरिक संहिता का पर लोगों के बीच जागरूकता के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार करना भी है। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि देश का हर वर्ग मुख्यधारा से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर हैं। 4,314 बहनें बिना महरम के हज के सफर के बाद वापस लौट रही हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 169वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विभाग की कई पुस्तकों और नई वेबसाइट का अनावरण किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को महानिदेशक मेडल प्रदान किए गए, जिसमें नई संसद के निर्माण में शामिल पूरी टीम को बेस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी करने का मसौदा जारी किया है। भारतीय नौसेना, बार्क और ECIL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। राजधानी दिल्ली में सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ द इंडिया द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम इंडिया स्पेस कांग्रेस 2023 का
आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर बड़गाम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े 5 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अलग अलग मामलों में जमानत दे दी है। बुधवार को सेंसेक्स 223.94 अंकों की गिरावट के साथ 63,393.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंकों की गिरावट के साथ 55.10 अंक की गिरावट के साथ 19,384.30 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। चांदी का भाव 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक दर्ज किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे बढ़कर 82.22 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने देश भर में बढ़ती टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए टमाटर को उपभोक्ता केंद्रों पर सस्ती दरों पर वितरित करने का फैसला किया है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन में आज दूसरे दिन नाटो सदस्य देशों ने की बैठक हुई। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बैठक में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं तय की गई। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जेलेंस्की के साथ साझा प्रेसवार्ता में कहा कि यूक्रेन नाटो सदस्यता के इतने करीब पहुंच चुका है जितना वो पहले कभी नहीं था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने के लिए समय सीमा की घोषणा न होने पर नाराजगी जताई है। कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर तनाव चरम पर है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से जापान सागर की तरफ एक आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल दागी। नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने लिथुआनिया के दौरे पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और मिसाइल प्रक्षेपण से उपजे तनाव पर चर्चा की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने आज वेस्ट बैंक शहर जेनिन का दौरा किया। 87 वर्षीय अब्बास ने जेनिन शरणार्थी शिविर के कब्रिस्तान का भी दौरा किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पत्नी सीता दाहाल का निधन हो गया है। आज सुबह उन्होंने नेपाल के नार्विक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अब तक की सबसे भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की संसद में नए न्यायिक विधेयक को आगे बढ़ाने के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी तेल अबीब की सड़कों पर उतर आए। झंडा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने देश भर में प्रमुख चौराहों और राजमार्गों पर सुबह तक यातायात रोक दिया। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में जारी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। निषाद ने टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड और अयाक्स के पूर्व गोलकीपर एडविन वर्डेड साल अब खतरे से बाहर है। हालांकि अब भी उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। वेंडेड सार को ब्रेन ब्लीड्स के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पेनिश राइडर पेलो बिलबाओ ने टूर डी फ्रांस के 10वें स्टेज में जीत दर्ज की है। बिलबाओ ने इस जीत को अपने दिवंगत टीम मेट जेनियो मेडर को समर्पित किया है। विंबलडन में महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उलटफेर देखने को मिला है। दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा श्वांतेक यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के हाथों हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। विंबलडन में खेले गए एक अन्य मुकाबले में अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जेसिका पेगुला को चेक गणराज्य की मार्गेटा के हाथों हार झेलनी पड़ी। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्का कर ली है। आदि पुरुष फिल्म के निर्माताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।
दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 आज भारत में रिलीज हो गई। फिल्म के एक्शन सीन्स काफी रोमांचक है, इनकी काफी तारीफ हो रही है। फिल्म वश का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्मकार शिवराज कुमार के जन्मदिन पर फिल्म घोष का टीजर लॉन्च हुआ। फिल्म इसी साल दशहरा पर रिलीज हो सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का नया गाना भी रिलीज हो गया है। अभिनेता वरुण तेज की आगामी फिल्म गांडीवधारी अर्जुन का प्री टीजर रिलीज किया गया है। यह फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।